नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज हम बनाएंगे गाजर के पराठे, जो कि खाने में तो टेस्टी होते ही है, साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए, गाजर के पराठे के लिए हमको जो सामान चाहिए वो है ये हमने दो बड़े साइज की गाजर घिस कर रखी हुई है। ये हमने थोड़ा सा, हम इसमें डालने के लिए हमको नमक चाहिए, थोड़ा सा हमको हींग चाहिए, और ये हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी रखी हुई है, थोड़ा जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है, थोड़ा हमने गरम मसाला लिया है, और थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है आटे में डालने के लिए, और थोड़ा सा हम चूर पाउडर, साथ ही इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और ये हमने धनिया पाउडर लिया है। तो चलिए हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने आटा भिगो कर रख दिया है। जब तक हमारा आटा थोड़ी देर के लिए सेट होगा, तब तक हम इसे भरने के लिए मसाला बना लेंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे। हमको जितने भी मसाले ऐड करने हैं सब हम इसी में डालेंगे। हल्का सा हमको नमक चाहिए, थोड़ा सा हम इसमें हींग डालेंगे, थोड़ी हमको चाहिए कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला चौथाई चम्मच, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, और इसमें बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। आटा हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अभी आटा अच्छी तरह से सेट हो गया, अब हम इसको थाली में रख लेंगे। चलिए हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम एक पेड़ी ले लेंगे, इसको गोल गोल करके हम थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। छोटा पेड़ी हमने बेल को इतना बड़ा कर लिया। ये हमने छोटा पराठा बना लिया है। अब इसमें थोड़ा हमने घी फैला लिया है। घी फैलाने के बाद जो हमने गाजर का मसाला मिलाया था वो हम इसमें भर लेंगे। हम इसको राउंड राउंड ऐसे आटा ऊपर की तरफ उठा के इस तरह से इसको घुमाकर लाते हुए फोल्ड कर देंगे। चलिए हम इसको बेलना शुरू करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा हाथ से बड़ा कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट से बेलन से बेलेंगे तो ये फूट जाता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से पहले इस तरह से बड़ा कर लेंगे। चलिए हो गया, अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम बेलेंगे। चलिए पराठा हमारा बिल्कुल तैयार। एक बार गैस तेज करेंगे, बाद में हम धीरे धीरे कर देंगे। ये पराठा हमारा एक तरफ से सिक गया है, अब हम इसको हल्के से पलट देंगे, और जब तक ये दूसरे साइड से सिकता है जब तक हम इसमें ऊपर घी लगा लेंगे। इस तरह से फैलाकर हम घी लगाएंगे। घी लगा दिया है, अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे, और इस साइड भी इस तरह से चारों तरफ फैला के हम घी लगा देंगे। इसमें गैस हमने एकदम धीमी कर रखी है, इससे पराठा सिक भी जाएगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह दबा दबा के सिक देंगे। अब हम इसको इस तरफ से पलट देंगे। ये देखिए हमारा गाजर का पराठा एकदम तैयार हो गया खाने के लिए। इसको हल्के हल्के हाथ से हम सेकेंगे। हमारा गाजर का पराठा एकदम तैयार है खाने के लिए। इस वीडियो को देखकर आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूले, और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।